हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीनी टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सामने जंगल क्रूज की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत 16वीं शताब्दी से होती है, जहां कहानी का एक मेन कैरेक्टर डॉन एगुएरो साउथ अमेरिका यानी कि अमेजॉन के जंगलों में टीयर्स ऑफ द मून की तलाश कर रहा है। टीयर्स ऑफ मून की बात करें तो ये एक ऐसा पेड़ है जिसके फूल किसी भी बीमारी, इंजरी या किसी भी श्राप को खत्म कर सकते हैं। और इसी की तलाश करते हुए डॉन एगुएरो की कई योद्धा मारे जा चुके हैं और डॉन एगुएरो भी इसी चपेट में आ जाता है। लेकिन अमेजॉन के लोकल आदिवासी टीयर्स ऑफ द मून की पेटल के मदद से उसे और उनके लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन जब डॉन एगुएरो उस पेड़ की लोकेशन को पूछता है तो उनका मुखिया डॉन को उसकी लोकेशन बताने से मना कर देता है और इसी वजह से डॉन एगुएरो उनके चीफ को चाकू मारकर पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनका चीफ मरते हुए डॉन और उनके लोगों को शापित करते हुए उन्हें अमर बना देता है और ये भी कहता है कि वो कभी भी इस अमेजॉन के जंगल को छोड़ के जा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से जंगल के पेड़ और लताएं उन्हें पकड़कर कैद कर लेती है। और फिर कहानी हमें 1916 में लंदन में ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर लिली हॉन्टन का भाई मैक ग्रेगोर टीयर्स ऑफ द मून की खूबियों को बताते हुए कहता है कि इस पेड़ के फूल या पंखुड़ियों के मदद से हम एक ऐसी दवाई बना सकते हैं जिसकी सहायता से हम जंग में लड़ रहे सैनिकों की मदद कर सकते हैं और इसकी खोज के लिए हमें बस एरोहेड आर्टिफैक्ट का एक्सेस चाहिए और हम एरोहेड और ओल्ड मैप की सहायता से उस ट्री को जल्द से जल्द ढूंढ सकते हैं। लेकिन सोसाइटी के लोग उस रिक्वेस्ट को मना करते हुए यही कहते हैं कि टीयर्स ऑफ द मून डॉक्टर लिली की दिमाग की उपज है और हम डॉक्टर लिली के मनगढ़ंत कहानियों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, जिसकी वजह से डॉक्टर लिली उस एरोहेड और मैप को हासिल करने के लिए म्यूजियम में चली जाती है और म्यूजियम में घुसकर बहुत चालाकी से उस एरोहेड और मैप को चुरा लेती है, जहां रास्ते में उसका सामना प्रिंस जोआचिम से होता है और वो भी एरोहेड को यहां पर लेने के लिए आया है और वो इस ट्री को ढूंढकर जर्मनी को युद्ध में जिताना चाहता है। लेकिन किसी तरह से बचते बचाते डॉक्टर लिली वहां से रफू चक्कर हो जाती है और फिर लिली और उसका भाई ब्राजील पहुंच जाते हैं और वो वहां पहुंचकर एक बोट और गाइड की तलाश करने लगते हैं जो उन्हें अमेजॉन के जंगलों में ले जा सके। और इधर हमें फ्रैंक उल्फ को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों की मदद से आए हुए टूरिस्टों को बेवकूफ बनाकर अमेजॉन के जंगलों में सैर कराते हुए उनसे पैसे कमाने का काम करता है और जब वो टूरिस्ट को छोड़कर आ ही रहा होता है तो उसकी मुलाकात नाइलो से होती है और नाइलो आकर वहां पर अपने दिए हुए पैसे मांगता है, जिसके बाद पैसे पूरे ना होने पर नाइलो उसके बोट का इंजन अपने पास रख लेता है और उस बोट की चाबी अपने ऑफिस के एक लॉकर में छुपा देता है, जिसे जानने के बाद फ्रैंक उसके ऑफिस में चुपके से घुसकर उस चाबी को चुराने के लिए जाता है और तभी डॉक्टर लिली बोट की तलाश में मिस्टर नाइलो के ऑफिस में आ जाती है और फ्रैंक को ना चाहते हुए भी मिस्टर नाइलो की एक्टिंग करते हुए उससे बातचीत करनी पड़ती है, जहाँ डॉक्टर लिली उस मैप को दिखाकर फ्रैंक से वहाँ पे जाने को कहती है। अब फ्रैंक उसे यही कहता है कि वहाँ पे जाने से अच्छा है कि मैं तुम्हें अमेजॉन के जंगलों की सैर करा सकूँ और इसकी खूबसूरती दिखा सकूँ। लेकिन डॉक्टर लिली के जिद करने पर वो उस जगह जाने के लिए रेडी हो जाता है और जाने से पहले डॉक्टर लिली उस लॉकर को खोलकर उसके बोर्ड की चाबी उसे दे देती है और फिर वो नीचे रेस्टोरेंट में जाकर पैसों की डील करने लगते हैं। तभी उसका भाई मिस्टर नाइलो को लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है और उसके राज को जानने के बाद डॉक्टर लिली जैसे ही जाने वाली होती है, फ्रैंक उसके गले में पड़े एरोहेड को देख लेता है और उसे वहाँ पर पहुँचाने के लिए बार्गेनिंग करने लगता है। तभी फ्रैंक की पालतू बिल्ली या टाइगर उस रेस्टोरेंट में आ जाती है और जिसे देखकर वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और फ्रैंक उससे लड़कर उसे वहाँ से भगा देता है। और ये सब देखने के बाद डॉक्टर लिली उसे 12,000 में वहाँ तक पहुँचने की डील करती है और फिर डॉक्टर लिली अपने एक छोटे बैग के साथ उसके बोट में पहुंच जाती है और उसका भाई मैक ग्रेगोर बहुत सारे सामान के साथ उस बोट में आता है। लेकिन फ्रैंक एक एक करके उसके सामान में से बहुत सी सारी चीजें नदी के हवाले कर देता है। और इधर जब डॉक्टर लिली की नज़र एक पंछियों से भरे पिंजरे पे पड़ती है तो वो उसे खोलने के लिए वहाँ पे चली जाती है और जैसे ही वो उस पिंजरे को खोलती है, प्रिंस के लोग उसे पिंजरे में बंद करके उसे ले जाने लगते हैं। और इधर फ्रैंक की नज़र नाइलो के आदमी पे पड़ती है जो उसे ढूंढ रहे होते हैं और फ्रैंक जल्दी से नाव में बैठकर वहां से जाने लगता है और तभी उसकी नज़र डॉक्टर लिली पे पड़ती है और ना चाहते हुए भी उसे बचाने के लिए वो अपनी नाव की कमांड लिली के भाई को देकर उसे बचाने के लिए चला जाता है, जहाँ फिर से डॉक्टर लिली अपने हाथों का कमाल दिखाते हुए उस पिंजरे से भाग निकलती है और लड़ते भागते हुए और फ्रैंक की मदद से दोनों
अपने नाव में बैठ जाते हैं और जब प्रिंस के आदमी उसके पास जाकर उसे बताते हैं कि डॉक्टर लिली उनके हाथों से बच गई है, तो प्रिंस अपनी सबमरीन को लेकर फ्रैंक और डॉक्टर लिली पे हमला बोल देता है, जिससे बचते बचाते फ्रैंक अपनी बोट को तो बचा लेता है, लेकिन नाइलो का घर और उसकी सारी बोटें तबाह हो जाती है। और प्रिंस के हमले से बचने के बाद वो लोग अपने सफर पे निकल जाते हैं, जहां रास्ते में फ्रैंक के मना करने के बाद भी डॉक्टर लिली उसे मैप के अकॉर्डिंग रास्ते पे चलने को कहती है और ना चाहते हुए भी फ्रैंक को उसी रास्ते पे चलना पड़ता है। और कुछ दूर जाने के बाद फ्रैंक उन्हें एक जगह रोककर आराम करने को कहता है, जहां फ्रैंक चूहे की मदद से पिराना मछली को पकड़कर उसे बनाकर उनको एक अच्छी सी दावत देता है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि डॉक्टर लिली को तैरना नहीं आता। और इधर प्रिंस एक गुफा में जाता है, जहाँ पे डॉन और उसके साथी पेड़ों की शाखाओं से लिपटे हुए पत्थर बने हुए हैं और नदी से लाई गई एक पानी की बूंद डालने के बाद डॉन के शरीर से दो सांप निकलते हैं, जहां प्रिंस उनसे डील करता है कि वो लोग उसे डॉक्टर लिली से एरोहेड छीन कर ला कर देंगे और उसके मिलने के बाद उस पेड़ को खोजकर वो उन्हें इस श्राप से मुक्त कर देगा। और डॉन इस ऑफर को हंसी खुशी कबूल कर लेता है, जिसके बाद प्रिंस वहां पे एक बम ब्लास्ट करके पानी की बहुत सारी बूंदें या पानी को लाकर उन्हें आजाद कर देता है। और इधर जब लिली का भाई सोने के लिए तैयारी कर रहा होता है, तभी प्रॉक्सिमा अपने केबिन से निकलकर सीधे डॉक्टर लिली के भाई के ऊपर चढ़ जाती है और फ्रैंक के कहने के बाद वो उससे नीचे भी उतर जाती है, जिसके बाद लिली और उसके भाई को फ्रैंक के इस राज के बारे में भी पता चल जाता है कि प्रॉक्सिमा उसकी एक पालतू बिल्ली या टाइगर है। और डॉक्टर लिली एक बुरे सपने से जागने के बाद हमें सांप दिखाया जाता है जो उनके रास्ते का पीछा कर रहा है, जहां फ्रैंक उन्हें बताता है कि रास्ते में एक बड़ा वाटरफॉल पड़ने वाला है और इसी वजह से डॉक्टर लिली फ्रैंक को दिखाते हुए एरोहेड को अपने भाई को दे देती है। और फिर फ्रैंक उस वाटरफॉल के करीब आने के बाद प्रॉक्सिमा से उस एरोहेड को लिली के भाई से छीन कर लाने को कहता है और प्रॉक्सिमा बिल्कुल वैसा ही करने के लिए लिली के भाई के पास जाती है, लेकिन लिली का भाई डर कर फ्रैंक और लिली के पास आ जाता है। और जब फ्रैंक अपनी नाव को वाटरफॉल से बचा रहा होता है, तभी एक दारू की बोतल प्रॉक्सिमा के सामने गिर जाती है और फिर थोड़ी कोशिश करने के बाद वो उस पूरी बोतल को पी जाती है। और वाटरफॉल से बचने के बाद जब लिली और उसके भाई उल्टियां कर रहे होते हैं, तो फ्रैंक प्रॉक्सिमा के पास जाकर उससे उस एरोहेड के बारे में पूछता है। तब फ्रैंक को पता चलता है कि उसने थोड़ी सी पी ली है और वो भी उल्टी करके बोट पे गिर जाती है। और फिर फ्रैंक एक जगह बोट रोककर लकड़ियां काटने के लिए रुक जाता है। और इधर डॉक्टर लिली बोट को फिल्माते हुए फ्रैंक के एक सीक्रेट केबिन में पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे भी टीयर्स ऑफ द मून की तलाश है। और फ्रैंक वापस बोट में आने के बाद इस बात को कंफर्म भी करता है कि उसे कभी टीयर्स ऑफ द मून पेड़ की तलाश थी और इसके लिए उसने पूरे अमेज़न के जंगल को घूम घूम कर छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी इस पेड़ के बारे में नहीं पता चला। जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर लिली उसे यही कहती है कि क्योंकि तुम्हारे पास अब तक एरोहेड नहीं था। और वो लोग इस बात को कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं कि तभी फ्रैंक के दोस्त यानी कि उसके आदिवासी दोस्त वहाँ आकर उन लोगों को पकड़कर अपने कबीले पे ले जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर में ही फ्रैंक का पर्दाफाश हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप लिली और उसका भाई फ्रैंक को जोरदार मुक्का भी मारते हैं। और फिर डॉक्टर लिली उस कबीले के सरदार को एरोहेड को दिखाकर उसके सिंबल को पहचान कर उसमें छुपे मैसेज को बताने को कहती है, जहाँ वो उसे बताते हुए कहती है कि तुम्हें वहाँ पे पहुंचकर अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए तुम्हें पानी को पत्थर बनाना होगा और फिर तुम्हें एक टूटे दिल को जोड़ना होगा और उस पेड़ के फूल तभी खिलेंगे जब ब्लड मून की रोशनी उस पेड़ पर पड़ेगी और ऐसा ही पल 2-3 दिन में आने वाला है। और उसको रीड करते हुए वो वहाँ पर पहुँचने का रास्ता भी बताती है, जिसे लिली बहुत आसानी से मैप में ढूंढ लेती है। और फ्रैंक और लिली में वहाँ पर साथ पहुँचने को लेकर बहस होने लगती है और तभी डॉन और उसके आदमी वहाँ पे आ धमकते हैं और फिर वहाँ पे डॉन और आदिवासियों के बीच लड़ाई होने लगती है, जहाँ डॉन एरोहेड को छीन लेता है। और जब डॉन एरोहेड को लेकर भागने लगता है, तो फ्रैंक उसका पीछा करते हुए उससे लड़ने लगता है और उसी लड़ाई में डॉन फ्रैंक को खंजर मार देता है, लेकिन फ्रैंक एरोहेड को छीन कर लिली की तरफ फेंक देता है और गिरते हुए नदी में बह जाता है, जिसके बाद एरोहेड को कैच करके लिली वहाँ से जंगल में भाग जाती है। और जब सुबह होने पर लिली जंगल में जा रही होती है, तो उसे फ्रैंक झाड़ियों में लिपटा हुआ दिखता है
और झाड़ियों से छुड़ाने के बाद पता चलता है कि फ्रैंक अभी भी जिंदा है। लिली का भाई मैक ड्रॉवर उसे देखते हुए लिली को बताता है कि फ्रैंक के शरीर में एक खंजर आर पार धसा हुआ है, जिसे देखते हुए लिली को ये पता चलता है कि फ्रैंक के गाँव में खून नहीं है। और फ्रैंक इस राज से पर्दा उठाते हुए कहता है कि उसका असली नाम फ्रांसिस है और वो लगभग 400 साल पुराना है और वो अपने सारे राज उसको बताएगा, लेकिन सबसे पहले उसके शरीर से उस खंजर को निकालना होगा। और बड़ी मशक्कत के बाद लिली उस खंजर को निकाल देती है और फिर लिली कबीले की सरदारनी के पास अपने भाई को छोड़कर अपने सफर पे आगे चली जाती है, जहाँ फ्रैंक अपने राज को खोलते हुए बताता है कि वो और डॉन मैं और डॉन अगुरे एक साथ पले बढ़े और उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार हो जाने के कारण हम टीयर्स ऑफ द मून ट्री को ढूंढने के लिए अमेजॉन जंगलों की खाक छानने लगे, लेकिन ये जंगल धीरे धीरे हमारे सभी साथियों को मारने लगा। लेकिन डॉन अगुरे ने कभी हार नहीं मानी और वो जब मरने ही वाला था तभी फरिश्ता बनकर कबीले वाले आते हैं और मुझे और सभी साथियों को टीयर्स ऑफ द मून पेटल की मदद से वो हमें ठीक कर देते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और जब कबीले का सरदार एरोहेड और उस ट्री के बारे में बताने से इनकार कर देता है तो डॉन उन सबको मारकर गांव को नष्ट कर देता है। और इस चीज को देखकर मैं इस चीज में शामिल नहीं हो सका और मैं उसके खिलाफ हो गया, लेकिन उसने मुझे भी मार दिया। और उस कबीले का सरदार अपनी अंतिम सांसें लेते हुए हम लोगों को साफ देता है कि हम लोग जिंदगी भर इस अमेजॉन रिवर को छोड़ के नहीं जा सकेंगे और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। और उस श्राप की वजह से अमेजॉन के पेड़ और यहाँ की लताएं हमें कैद कर लिया और देखते देखते हम पत्थर बन गए। और जब भी अमेजॉन नदी का पानी हम पे पड़ता हम फिर से जिंदा हो जाते। और डॉन इस बात से गुस्सा होकर वो हमसे बार बार लड़ता रहा, जिससे मैं परेशान होकर उसे एक ऐसी जगह पे कैद कर दिया जिससे वो कभी वापस ना आ सके, जहाँ 300 साल तक कैद रहने के बाद अमेजॉन के जंगलों ने उसे शैतान बना दिया। और मुझे ये नहीं पता कि मैं इन सब चीजों से कैसे बचा हुआ हूँ। और तब से मैं अपनी जिंदगी प्रॉक्सिमा के साथ, एक के जाने के बाद दूसरे का नामकरण भी मैं प्रॉक्सिमा ही करता था और इसी वजह से मैं अकेला नहीं हूँ। इतने सालों से रहते हुए मैंने यहाँ पे इन लोगों को बसाया और फिर मैंने नाव बनाकर इस अमेजॉन के जंगलों को छान मारा, लेकिन कहीं पे भी मुझे उस पेड़ का अता पता नहीं चला। और फिर थक हार कर मैंने यहाँ पे जंगल क्रूज की शुरुआत की। और इधर प्रिंस लिली के भाई को पकड़कर उससे लिली और फ्रैंक का लोकेशन जान लेता है और फिर लिली और फ्रैंक उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो पेड़ मौजूद है। और लिली को ना चाहते हुए भी पानी में उतरकर दरवाजे को खोलना पड़ता है और तब हम पानी को पत्थर बनते हुए देखते हैं। और जैसे ही पानी सतह से कम होता है या गायब होता है हम प्रिंस के सबमरीन को देखते हैं, जहाँ पे प्रिंस लिली के भाई के कनपट्टी पे बंदूक रखकर फ्रैंक की बोट पे आ जाता है और फिर ना चाहते हुए भी फ्रैंक को अपनी बोट के सहारे उस पेड़ के पास पहुँचना पड़ता है, जहाँ पहुँचने पे पता चलता है कि वो पेड़ मरा हुआ है, जिसके बाद प्रिंस एरोहेड को देकर फ्रैंक को उसे खोलने के लिए कहता है। और फिर फ्रैंक और लिली उस टूटे हुए दिल को जोड़कर पेड़ को जिंदा कर देते हैं और लिली अपने प्लान के मुताबिक फ्रैंक को गोली मार के वहां से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद लिली उस पेटल को पाने के लिए पेड़ पर चढ़कर दौड़ती है, क्योंकि ब्लड मून की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही होती है और पेड़ भी मरने लगता है। और लिली दौड़ भाग कर किसी तरह से एक पेटल्स को पा लेती है और जब प्रिंस उससे पेटल्स छीनने वाला ही होता है लिली पेटल्स को गिरा देती है। और इधर फ्रैंक लिली के भाई को बचाकर उस पेटल को कैच कर लेता है और तभी वहाँ पे डॉन और उसके आदमी आ जाते हैं और फिर फ्रैंक डॉन को पेटल दिखाते हुए बोट को चलाकर उससे दूर जाने लगता है और इसी वजह से डॉन भी उसके पीछे जाने लगता है और फिर लिली के भाई को उतारकर उस बोट को खंडहर में टकरा देता है। और इधर जब प्रिंस लिली और उसके भाई को मारने वाला होता है उस पर एक पत्थर गिर जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। और लिली का भाई लिली को पंखुड़िया देते हुए कहता है कि फ्रैंक ने कहा है कि तुम ही उसकी दुनिया हो। और इधर खंडहर में टकराने की वजह से वो लोग फिर से पेड़ों में कैद होकर पत्थर बन जाते हैं, जहाँ लिली आकर फ्रैंक की मूर्ति में उसकी मुंह में पेटल्स डाल देती है और उसे डालकर वहाँ से जाने लगती है। और फिर तब हम पंखुड़ियों का जादू एक बार फिर देखते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंक अपने श्राप से मुक्त हो जाता है। और फिर फ्रैंक और लिली और उसका भाई लंदन चले जाते हैं और फिर फ्रैंक गाड़ी की हॉट सीट पे बैठकर कार चलाने की कोशिश करता है और यहीं पे ये मूवी समाप्त हो जाती है।